नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एग्जिट लोट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें एग्जिट लोट के बारे में पता होगा तो हम फालतू के चार्ज देने से बच जाएंगे। पर लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में हमारे सामने कुछ इस तरीके का जो एग्जिट लोट है वो आ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके के एग्जिट लोट का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके समझाऊंगा कि जो इस तरीके का एग्जिट लोड आपके सामने आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो जो इस तरीके का एग्जिट लोड है, जो इसके चार्जेस हैं, वह SIP इन्वेस्टमेंट पर अलग लगेंगे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अलग लगेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा और किस कंडीशन में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस एग्जिट लोट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। इसका यह मतलब है कि जितना यूनिट्स हमने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जितना इन्वेस्ट करके हमने जितने यूनिट्स ख़रीदे हैं, उसका जो 10% से ज़्यादा हिस्सा अगर हम मतलब कि विड्रॉ करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं 365 डेज़ के अंदर, तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मैं इसे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, उसका अगर हम 10% से ज़्यादा पैसा एक साल के अंदर अंदर विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें 1% एग्जिट लोट के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप 10% से कम पैसा अगर आप इस म्यूचुअल फंड से बाहर निकालते हैं 365 डेज़ के अंदर, तो इस कंडीशन में आपको एक भी पैसा एग्जिट लोट के रूप में चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंडीशन में आपको कितना चार्ज किस कंडीशन में देना पड़ेगा। तो हम सपोज़ कर लेते हैं, यानी कि यह मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें 10,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और यह समझेंगे कि अगर हम वन टाइम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं और उसका जितना 10% है, उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हम बाहर निकालते हैं, यानी कि विड्रॉ करते हैं एक साल के अंदर, तो हमें 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेटर को ओपन करके इसे अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक साल के अंदर अगर हम इसे विड्रॉ करते हैं तो हमें 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, और अगर हम इससे ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें 1% चार्ज देना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए कि हम 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2,000 हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, 1% डिवाइडेड बाय 100, और हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 2,000 रुपये। तो अगर आप एक साल के अंदर 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो आपको 20 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम, अगर उसका 10% से ज़्यादा पैसा हम विड्रॉ करते हैं तो हमें 1% चार्ज देना पड़ेगा अगर हम एक साल के अंदर इसे बाहर निकालते हैं तो। और अगर दूसरी कंडीशन में अगर आप मान लीजिए कि जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और उसका जो 10% है वो 1,000 रुपये है, और अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं 500 रुपये या फिर 800 रुपये, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप एक साल के अंदर पैसों को विड्रॉ करें या फिर एक साल के बाद करें। तो आप यह समझ गए होंगे कि जो हमारा अमाउंट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10% से ज़्यादा होगा तो हमें एक साल के अंदर 1% देना पड़ेगा, और 10% से कम होगा तो हमें एक भी मतलब कि एग्जिट लोड 1% का नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें SIP में किस तरीके से इस चार्ज को देना पड़ेगा। अब जैसा कि बहुत सारे लोग SIP करते हैं, तो
तो अब हम SIP के तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अगर हम एक महीने में 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, तो जो हमारी SIP है वो हर महीने हमारे 1,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कटेंगे। तो इस कंडीशन में आपको समझने की यह ज़रूरत है कि अब मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी से अपनी SIP स्टार्ट की थी, अब आपको 1 साल हो चुका है और 1 साल होने के बाद आपकी जो पर मंथ की 1,000 की SIP है वो चल रही है और आपको 1 साल हो चुका है और अगले साल का जनवरी आ जाता है और फरवरी आ जाता है, ठीक है, फरवरी मंथ आ चुका है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो आपकी जनवरी मंथ की SIP थी उसे 1 साल हो चुका है और आपकी जो फरवरी मंथ की SIP थी उसे भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर लेकिन जो बाकी की SIP है जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनका जो टाइम है वो 1 साल के अंदर है, यानी कि इन्हें 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि हमने SIP 1 जनवरी से स्टार्ट की थी, हमें 1 साल पूरा हो चुका है और अगले 1 साल के जनवरी और फरवरी भी आ चुके हैं। तो सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ की SIP जो हमने स्टार्टिंग में की थी सिर्फ उसी का, मतलब कि उसी को 1 साल से ज़्यादा हुआ है और जो बाकी की SIP हैं बाकी मंथ की उनको 1 साल नहीं हुआ है। तो आप यह समझ गए होंगे कि SIP में हर मंथ की SIP का अलग अलग टाइम देखा जाता है कि किसे 1 साल से ज़्यादा हुआ है और किसे 1 साल से कम हुआ है। अब इस कंडीशन में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज्ड फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। तो चलिए अब हम उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने 1 जनवरी से हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और हमारी इन्वेस्टमेंट को अगले साल की फरवरी तक हो चुका है, तो यहाँ पर 1 साल में हमने 12,000 रुपये मतलब कि जमा किए हैं टोटल, और 2,000 रुपये जनवरी 1,000 रुपये जनवरी का हुआ और 1,000 फरवरी का हुआ था, यानी कि टोटल 2,000 हो गए और 12 में 2,000 रुपये मिलाएंगे तो ये 14,000 रुपये हो गए। अब मान लीजिए कि आपको 14,000 में से 2,000 रुपये नहीं, हम मान लेते हैं कि आपको 4,000 रुपये विड्रॉ करने हैं। अब म्यूचुअल फंड में ये रूल रहता है SIP में हमेशा, जब भी हम पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जो पैसे हमने सबसे पहले मंथ में इन्वेस्ट किए थे हम सबसे पहले उन्हीं पैसे को निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप हमारी जो SIP है वो 1,000 रुपये की चल रही है, ठीक है, और हमारी SIP को 1-2 साल हो चुके हैं, तो अगर हम 1,000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट मंथ में आपने SIP में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे सिर्फ आप उसी को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये रूल है कि आपने जो सबसे पहले इन्वेस्ट किया था वो सबसे पहले विड्रॉ होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो जो हमारा एग्ज़ाम्पल था वो कुछ इस टाइप का था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है टोटल फरवरी तक वो हो गई हमारी 14,000, 14,000 के बाद अब हम निकालना चाहते हैं 4,000, तो इस कंडीशन में हमें कितना एग्जिट लोड देना पड़ेगा अब हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जनवरी और फरवरी मंथ की SIP थी उसे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि अगले मंथ की जनवरी और फरवरी आ गई है, तो जो हमने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था 2 मंथ की यानी कि जनवरी और फरवरी उसकी जो SIP है उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस पर हमें बिल्कुल भी एग्जिट लोड नहीं देना है। पर लेकिन जो हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि मार्च के और अप्रैल के, उस पर हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 2,000 रुपये पर तो हमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना है, पर लेकिन जो 2,000 रुपये हम मार्च के और अप्रैल के विड्रॉ कर रहे हैं हमें उस पर एग्जिट लोड देना है, तो हम हमारे चार्जेस नोट करते हैं। 1% ब्रैकेट ओपन 1% डिवाइडेड बाय 100 और जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट है 2,000, तो हमें 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2,000 रुपये हैं वो जनवरी और फरवरी के हैं, प्लस जो 2,000 रुपये हैं वो हमारे मार्च और अप्रैल के हैं, और यहाँ पर हम जो 1% हमारा चार्ज लगा था 20 रुपये से माइनस कर देंगे, तो टोटल आपको 4,000 रुपये विड्रॉ करने पर 3,980 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा
कि SIP करने पर हमारा जो एग्जिट लोड है वो किस तरीके से कट होता है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह समझना है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसका अगर हम 10% से ज़्यादा एक साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो हमें 1% चार्ज देना पड़ेगा। अगर जो हमारा विड्रॉ अमाउंट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट का 10% से कम है तो हम अगर एक साल के अंदर भी पैसे को बाहर निकालेंगे तो हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपके जो अमाउंट है उसको एक साल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो आपको कोई चार्ज देना ही नहीं है। बस ये है कि अगर आप एक साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको यह समझना है कि एक साल के अंदर पैसा विड्रॉ करने पर, मतलब कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10% से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा, और 10% से कम है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको एग्जिट लोड समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि जो यहाँ पर एग्जिट लोड मतलब कि दे रखा है ये इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको नॉर्मल तरीका बता देता हूँ जैसे कि नॉर्मली एग्जिट लोड किस टाइप के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इसे इस वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेते हैं और अगर यहाँ का एग्जिट लोड देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप कोई सा भी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसे आप अगर एक साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का जो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर जो अभी हमने समझा ये थोड़ा मतलब कि इससे हटकर था, यानी थोड़ा अलग तरीके से था कि हमें मतलब कि 10% से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने पर एक साल के अंदर चार्ज देना पड़ेगा, और एक साल मतलब कि 1% से कम अगर अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे तो हमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें किस कंडीशन में जो हमारा चार्ज है एग्जिट लोड का वो देना पड़ेगा और किस कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा। तो आपको SIP का भी अच्छे समझ में आ गया होगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।